हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों आपको बता दूं, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए आया हूं एंशेंट हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी रेलवे ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम होने वाले, इसके अलावा और भी कई सारे एग्ज़ाम एसएससी और बैंकिंग इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। आपको बता दूँ ये वीडियो का पार्ट टू है। पार्ट वन वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पब्लिश कर चुका हूँ, तो उसका भी लिंक मैं डाल दूँगा। अगर आपने वो पार्ट वन नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। एक और बात, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो जो है लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने जो चैप्टर है एंशेंट हिस्ट्री वो शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ ऋग दिग्वेद के बारे में और ऋग्वेद से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, वो जो बार बार पूछे जाते हैं, वो ये होते हैं कि मंत्रों का उच्चारण और बलि प्रथा के बारे में, जो बलि देने का एक निर्धारित समय है, इन सब बातों का जिक्र कौन से वेद में किया गया है। तो ये बता दें आपको, ये यजुर्वेद में किया गया है। इसके अलावा यजुर्वेद से एक और प्रश्न आता है, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यजुर्वेद को जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें हम अर्घायु कहते हैं। तो अब ये हो गई ऋग्वेद की बातें। अगर आप ये सारी चीज़ें पीडीएफ में चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाके। अब जो हम अगली वेद के बारे में बात करेंगे वो है हमारा सामवेद। आपको बता दें कि जो सामवेद से इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सबसे पूछा जाता है कि संगीत का जन्म कहाँ से हुआ, यानी कि म्यूजिक और संगीत का जो जन्म हुआ है वो सामवेद से हुआ है। इसके अलावा एक और प्रश्न आता है सामवेद में, जो इसके पढ़ने वाले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम उदातु कहते हैं। ये प्रश्न, दो प्रश्न आते हैं सामवेद से लगभग। इसके अलावा अगर हम चौथी और आखिरी वेद की बात करें अथर्ववेद, तो अथर्ववेद से जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपका, इसके अंदर जो जिक्र किया गया है तंत्र मंत्र जादू टोना आदि का वर्णन किया गया है, ये पूछा जाता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि तंत्र मंत्र जादू टोना आदि का वर्णन कौन से वेद में किया गया, तो आपको जवाब देना होता है अथर्ववेद। इसके अलावा अथर्ववेद के जो रचयिता है उनके बारे में भी एक प्रश्न आता है कि इसके रचयिता कौन है, तो आपको बता दें कि इसके जो रचयिता है वो अथर्व ऋषि है, अथर्व ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की थी। हाँ, एक और प्रश्न आता है कि इन वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी, ये टोटल कितने वेदांग थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 6 वेदांग होते हैं और ये होता है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, नियुक्त और छंद। तो ये क्वेश्चंस है जो कि आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं आगे भी वीडियो इससे रिलेटेड अगला चैप्टर भी लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।